ये बार एंड बेंच का ट्वीट है। ये ट्वीट आपके सामने, ये ट्वीट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ट्वीट में लिखा गया, तकनीकी समिति का कहना है कि भारत सरकार ने हमारी मदद नहीं की। अश्विनी शाही जी, केंद्र ने सदस्य जांच कमेटी से सहयोग की बात कही थी लेकिन सहयोग नहीं किया, क्यों? जी कह रहे थे भेड़िया आया। मैं अपने शब्दों में ये कह रहा हूं कि राफेल के असामयिक निधन के बाद पेगासस भी जो है अपने जीवन प्राण को छोड़ चला, यानी कि इसने दम तोड़ दिया। एक लाइन का ये जवाब है कि राफेल जैसे खत्म हुआ, आज दम तोड़ दिया। वायर की रिपोर्ट है एक, और इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा देश समझ जाएगा कि मसला क्या है। वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर कमेटी सरकार से पूछताछ करती तो केंद्र के 8 अधिकारियों को समिति के सामने हाजिर होना पड़ता, जिनके चेहरे मैंने आपको दिखाए, जिनके वक्त में पैगासस का सौदा मिलने का इशारा मिलता है, उन्हें इस कमेटी के सामने पेश होना पड़ता और अपनी बात रखनी पड़ती। इस रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह को भी इस समिति के सामने पेश होना पड़ता अगर ऐसी नौबत आती तो। पेगासस पहले दिन से सरकार यह स्पष्ट कर रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। जी स्पष्ट, अब विपक्ष कह रहा है कि आप सबके सामने रखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वप्रथम है या रिपोर्ट सर्वप्रथम वो है, कौन है ये भी सोचने वाली बात है तिलक जी। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रथम है, इस वजह से सरकार ने बहुत से एहतियात बरते और सबके सामने हर चीज का खुलासा नहीं होता है, क्योंकि आजकल विपक्ष की हालत ये हो गई है कि कहीं भी चौराहे पर ये लोग खड़े हो सकते हैं। राहुल गांधी कहते हैं चौराहे पर डिबेट कर लो, तो वही स्थिति हो सकती है कहीं भी, तो सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकती है। इस विपक्ष, कम से कम आज जो विपक्ष है, इस विपक्ष के उस पर कीमत पर तो नहीं कर सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर राफेल में आपने कथित दलाली के मामले में सरकार ने सील बंद लिफाफे में हलफनामा दिया, कोर्ट ने स्वीकार किया। भीमा गोरेगांव गांव में जो मामला था उसमें भी सील बंद लिफाफे में आपने हलफनामा दिया, कोर्ट ने स्वीकार किया। एनआरसी के मामले में सील बंद लिफाफा दिया, कोर्ट ने स्वीकार किया। तो सील बंद लिफाफे में हलफनामा दिया जा सकता था, तो वो आपने क्यों नहीं दिया, मेरा सवाल ये है आपसे। देखिए, जब भी हमने सील बंद लिफाफा दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था और उसको जिसको हमको देना था उसको हमने दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज को देना था, जहां हमको पहुंचाना था हमने अपनी बात पहुंचाई कि कम से कम वो हमने क्या कहा और माननीय जज साहब, क्योंकि न्यायपालिका पर पूरे देश को भरोसा है जी। अभी नुपुर शर्मा पर जब एक डायरेक्शन देती है माननीय सुप्रीम कोर्ट तो विपक्ष बड़ा खुश हो जाता है, जबकि मामला कुछ दूसरा था, विपक्ष का हलफनामा दिया जा सकता था ना, सीलबंदी दे देते आप तो दिया जा सकता था। मैं एक बयान सुनाना चाह रहा हूं, इस बयान का वैसे इस पूरे मामले को लेकर कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक, लेकिन यह बयान क्यों महत्वपूर्ण है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आप ही के मंत्री का है वो बयान, तो वो सुनाना बहुत जरूरी हो जाता है। वो बयान है अनुराग ठाकुर जी का, और इस बयान को प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा सब लोग, क्योंकि इसका एक आधार है। मैं क्यों यह बयान दिखा रहा हूं, इसका एक आधार है, प्लीज पहले यह बयान प्ले करिए। गांधी परिवार बेदाग है तो अब बेहाल क्यों? अगर गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार नहीं किया तो हंगामा क्यों? आखिरकार भारत के नागरिकों से अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया हो उससे पूछताछ करना जांच एजेंसियों का काम है, तो क्या गांधी परिवार के लिए कानून अलग से बने? ये बयान मैंने इसलिए सुनाया, आप कहेंगे कि ये तो मसला कुछ और है, मैं एक बात समझना चाह रहा था अश्विनी शाही जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अनुराग ठाकुर जी का यह बयान सुना होगा। आप ही जब ये कहते हैं कि विपक्ष को कि जब कुछ किया है नहीं तो डर किस बात का, घबरा क्यों रहे हो? आप ही कहते हैं ना, जब कुछ किया नहीं तो डर किस बात का, घबरा क्यों रहे हो, जांच होने दो। तो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी को लेकर आप जांच से क्यों घबरा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, मेरा सवाल यह था। क्या सरकार मैं क्या उसका जवाब दे रहा हूं, या तो सरकार जो है खुद को सुपर बॉस समझती है? सरकार कभी भी, देखिए जब कमेटी गठित हो गई और माननीय तीन, वो भी ये नहीं सिंगल बेंच नहीं, माननीय जो है सीजीआई की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच थी, तीन जजों की बेंच ने सुनवाई किया और उन्होंने समिति बनाई। हम भाग नहीं सकते हैं, चाहे सरकार हो तो चाहे विपक्ष, समिति के सामने कोई भाग नहीं सकता है। अश्विनी शाही जी, मैं यही तो पूछ रहा हूं, भारत सरकार अगर बेदाग थी तो सहयोग क्यों नहीं किया, जांच एजेंसी पर विपक्ष भरोसा करे और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, बनाई हुई कमेटी पर सरकार सहयोग ना करे, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। किसी बिंदु पर उनको लगा होगा तो उन्होंने अपनी बात कही है,
ऐसा नहीं है कि सरकार जांच से हट सकती है, मतलब ही नहीं है कहीं। तो फिर ये लोग तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी का अगर आप सामना नहीं करते तो क्या ये कोर्ट का अनादर है कि नहीं? अगर कोर्ट का अनादर है तो कोर्ट उसको उस पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकती है, ये हम और आप और यहाँ पर कांग्रेस और सपा नहीं खड़ा कर सकती है। अब मैं एक बयान सुनाता हूं आपको, और ये बयान है रविशंकर प्रसाद जी का, हमारे पूर्व कानून मंत्री। और यही सवाल जब उनसे पूछा गया जो मैंने आपसे पूछा अश्वनी शाही जी, कि भाई कमेटी से डर किस बात का, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो कमेटी से डर किस बात का, तो रविशंकर प्रसाद जो कि पूर्व कानून मंत्री हैं, जब उनसे यह सवाल किया गया तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि उनको जवाब देना चाहिए था, क्योंकि कानून का बहुत ज्ञान है उनको। तब उन्होंने इस सवाल को कैसे घुमा दिया, अब यह बयान सुनिएगा। और इस बयान से पहले सवाल सुनिएगा जो पत्रकार ने रविशंकर प्रसाद जी से पूछा था, प्ले करिए। सुनना चाहूंगा जो पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। एक तो कमेटी ने कहा कि रिपोर्ट को प्रकाशित ना किया जाए और हम रिपोर्ट के कुछ हिस्से वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, तो समझा जाएगा। एक और प्रश्न है जो उन्होंने कहा है कि एक महीने बाद सुनवाई करेंगे और केंद्र सरकार ने समिति के साथ सहयोग नहीं किया। देखिए आपको मैं पहले कहता हूं कि कोर्ट ने आज क्या कहा है, ये सब कोर्ट में ऑब्जर्व हुए ना, कि रिपोर्ट को पढ़ा, पेगासिस का वायरस 29 मोबाइल में नहीं पाया गया, जिन लोगों ने कमेटी के आग्रह पर अपना मोबाइल दिया था उनके एग्जामिनेशन के लिए। मोटी बात यह है कि पेगासिस नाम का जंतु किसी ही मोबाइल में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2021 को सच्चाई को जांचने के लिए 3 सदस्य तकनीकी कमेटी बनाई थी। कमेटी की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस आरवी रविंदन को नियुक्त किया, मगर यह कमेटी कहती है, जो मैंने आपको दिखाया अभी, कि यही कमेटी कहती है कि केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। सवाल यह कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को भारत सरकार अगर सहयोग ना करे, क्या यह सामान्य घटना या सामान्य खबर लगती है आपको? राहुल गांधी जी को अपना फोन आगे करना चाहिए था, अखिलेश यादव को अपना फोन आगे करना चाहिए था, यह जांच करो, मेरा फोन है, इसमें मालवेयर मिलता है, पेगासिस मिलता है, तो हम कहेंगे। उस बात को उन लोगों ने नहीं उठाया। 29 में कहीं पेगासिस नहीं मिला है तो पेगासिस चिल्ला रहे हैं, सारा धाराशाही हो गया। आज विपक्ष नंगा हो गया है। राहुल गांधी को, ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव को, सबको माफी मांगनी चाहिए देश से। ये प्रधानमंत्री को देश द्रोही का है। कैसे सदन में उन लोगों ने माफी, सदन में राहुल जी ने माफी मांगा था, मांगना पड़ेगा।